उत्तर प्रदेश के बजट सत्र के ठीक पहले दिन समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक आज प्रदर्शन पर बैठे हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। आज आप लोग बैठे हैं, बजट सत्र है, कल देश का बजट आया, क्या उम्मीद है? देखिए, लगातार ये पूरी सरकार गरीब मजदूर किसान नौजवान बुनकर बेरोजगार की विरोधी सरकार है। अपराध चरम पे, बेरोजगारी चरम पे, हर जगह लूट चरम पे चल रहा है, इसलिए उसके लिए सड़क से सदन तक संघर्ष करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। क्या आपकी मांगे हैं, क्या आप दिखा रहे हैं, किस तरीके से सरकार ने क्या? पीडीए का विरोध सरकार कर रही है, लगातार गरीबों को हटाना चाहती है, गरीबी नहीं हटाना चाहती, गरीबों को हटाना चाहती है। लगातार ये सरकार गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है। सरकार तो दावा कर रही है कि इन तमाम तबकों को जोड़ा है, आपको क्यों लगता है? सच में ये लोग अंधे बैठे हैं, इन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि गरीब की हालत, मजदूर की हालत, रोजगार की हालत, छात्रों की हालत, ये सभी की नौकरियां भी खा गए ये अंधी सरकार। अब 2024 में से भगाने का काम पीडीए करेगा। सामाजिक न्याय की आप मांग की बात कर रहे हैं, कौन सा सामाजिक न्याय? किस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, सब भाई भाई, ये नारा है सामाजिक न्याय है। देश जो है सारी जातियों से मिलकर के बना है, भाजपा जो है सरकार जो है देश को बांट रही है, इसलिए उसके खिलाफ हम ये आंदोलन कर रहे हैं। नरेश तो पटेल भी ठीक सामने बैठे हुए हैं। नरेश जी, क्या जिस तरीके से मुद्दे आप उठा रहे हैं इस सत्र में सुनवाई होगी, आपको लगता है? भ्रष्टाचार, किसानों की फसलों की लूट, महिलाओं पर अत्याचार, दलित समाज पर अत्याचार, पिछड़ों पर अत्याचार, अल्पसंख्यक भाइयों पर अत्याचार, गरीबों की जेब पर डाका, किसानों की फसलों की लूट, इन सवालों को लेकर आज हम सदन पर चर्चा करेंगे। मनोज पांडे जी हमारे साथ में। मनोज जी, आप लोग जो लगातार बात कर रहे हैं, आप तड़पते मरीज की बात कर रहे हैं, आवारा पशुओं की बात कर रहे हैं, सरकार तो तैयारी कर रही है आप बजट? देखिए, आज जो लोग गाय गौ रक्षा करने की बात कर रहे थे, गौशालाओं में रोज आप चले जाइए, सैकड़ों की संख्या में गौ माता मरी हुई मिल रही है। इससे ज्यादा गौ माता के साथ अन्याय नहीं हो सकता। एक तरफ सांड जहां किसानों की फसल को चर रहे हैं, वहीं बेरोजगार नौजवान डिग्री लेकर के सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं। सरकार मनरेगा में दी जा रही मजदूरी को रोजगार बता रही है, थाने और तहसील पर गरीब को न्याय नहीं मिल पा रहा। ये तमाम मुद्दे हैं और सरकार पीठ ठोक रही है, झूठा दिखा रही है। इन सब के विरोध में आज समाजवादी पार्टी के विधायकों ने प्रथम दिवस आज अपने धरना दे करके अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। के बजट के बाद यूपी के बजट से क्या हो? केंद्र का बजट ठीक उसी तरीके से जैसे 3 घंटे की पिक्चर हॉल में बैठे रहने पर अच्छी लगती है और निकलने के बाद वास्तविक जीवन में बहुत कड़वी लगती है, झूठा है, कुछ नहीं है, केवल जनता को गुमराह करने वाला है। जनता को गुमराह करने का दावा किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायक आज चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के ठीक नीचे बैठकर बीजेपी सरकार पर सवाल कर रहे हैं। बजट का सत्र है, मुख्यमंत्री को संबोधित करना है और उसके साथ में उत्तर प्रदेश में भी एक बड़े बजट की सौगात का दावा बीजेपी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। केंद्र के बजट को निराशाजनक बताया है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के इस बजट सत्र में दोनों तरफ से एक बार फिर से हंगामे के पूरे आसार नजर आते हैं। लखनऊ से कैमरामैन रोहित कांत के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।